नमस्कार, आप देख रहे हैं वो सब पानीपत और मैं हूं आपके साथ सोनम। सुबह के इस खास अंक में आप सभी का स्वागत है। दहेज न मिलने पर हत्या करने के मामले में पानीपत कोर्ट ने आरोपी को सुनाई उम्र कैद की सजा, साथ ही लगाया गया जुर्माना भी। देवी मंदिर में पति संग सात फेरे लेने के बाद दुल्हन शोच के बहाने हुई फरार। 40,000 में बिचौले के माध्यम से हुआ था रिश्ता तय। तहसील कैंप थाना पुलिस ने किया मामला दर्ज। 17 साल की किशोरी को बहला फुसलाकर भगा कर ले जाने और फिर दुष्कर्म करने के दोषी को फास्ट्रैक कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा। शहरवासियों के लिए अच्छी खबर, अगर घर घर कूड़ा उठाने वाली गाड़ी नहीं आ रही तो करें टोल फ्री नंबर 1800123266 पर शिकायत, जेबीएम ने जारी किया नंबर। सीआईटी पुलिस की टीम ने आर्य वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में निर्माणाधीन साइट से लोहे की शटरिंग प्लेटें चोरी करने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार। पकड़े गए आरोपी से चोरी की हुई 5 शटरिंग प्लेटें भी की गई बरामद। जीटी रोड स्थित फ्लाईओवर के नीचे मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला से दिन दहाड़े की गई दुष्कर्म की कोशिश, राहगीरों ने 2 आरोपितों को पकड़कर किया पुलिस के हवाले। पानीपत शहर में बढ़ती चोरी की घटनाएं, मॉडल टाउन में सूने मकान में चोरों ने कर ली जेवर सहित 6,00,000 रुपए की चोरी। थाना मॉडल टाउन पुलिस ने किया मामला दर्ज, पुलिस कर रही है चोरों की तलाश। पानीपत शहर में बढ़ती ऑनलाइन ठगी, फौजी बताकर ड्राई क्लीन कारोबारी से ठगों ने ठग लिए 20,000 रुपए। थाना मॉडल टाउन पुलिस ने किया मामला दर्ज। सिविल अस्पताल में बने प्रसूति वार्ड का निदेशक डॉक्टर अलका ने किया निरीक्षण, दिए गए निर्देश भी। गोवंश को पकड़ने का मास्टर प्लान फेल हुआ तो नगर निगम कमिश्नर ने नैन गो अभ्यारण प्रबंधन कमेटी के साथ की बैठक, लगाया जाएगा दोबारा टेंडर। दुष्कर्म की धारा हटाने की एवज में 1,10,000 रुपए लेता हुआ डीएसपी ट्रैफिक का रीडर हुआ गिरफ्तार, विजिलेंस करनाल ने की कार्रवाई। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, ताजा अपडेट के लिए जुड़ रहे वैसे पानीपत के साथ नमस्कार। Colors to your loving, life will be shining. You'll have a better future and you'll be smiling. By Sanskriti School, a better place, a better world. By Sanskriti School, sapno se behtar kal. By Sanskriti School, add colors to your learning. By Sanskriti School, your life will be shining.